प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे। पुंछ जिले में भाटाडूंडिया जंगल में सोमवार सुबह तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 15 दिन आतंकवादियों की तलाश की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मकवाल सीमा अग्रिम चौकी का दौरा किया और बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। फारूख अब्दुल्ला ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर हैरानी जताई और कहा कि केंद्र की तरफ से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा करने और चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बड़ी हैरानी की बात है। प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि अगर आगामी चुनाव के बाद सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो यूपी में किसी भी बीमारी का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। इसकी घोषणा उन्होंने ट्वीट के जरिए की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि त्रिपुरा में यदि राजनीतिक विरोधी रैलियां निकालने का साहस करते हैं तो बीजेपी उन्हें पीटती है और महिला सांसद को भी नहीं बख्शा जाता। दिल्ली से पटना आए लालू प्रसाद यादव को तेज प्रताप अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो धरना देकर बैठ गए। बेटे के बगावती तेवर को देखकर रात में ही लालू और राबड़ी देवी तेज प्रताप के घर पहुंचे और इसके बाद तेज प्रताप का गुस्सा शांत हुआ। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 14,306 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 443 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। केरल में कोरोना संक्रमण के नए मामले अभी सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में से 8,538 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 363 रोगियों की मौत हुई है। भारी बारिश ने जहां उत्तर से दक्षिण तक उत्पात मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में बर्फबारी ने मौसम में ठंडक पैदा कर दी है और इसके चलते मुगल रोड अभी भी बंद है। किन्नौर के करछम सांगला संपर्क मार्ग पहाड़ी से गिरी बड़ी चट्टानों की वजह से बंद हो गया है। उसके बाद मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। पर्यटन स्थल सांगला को ये मार्ग जोड़ता है। हिमाचल बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के हिमाचल दौरे पर सवाल उठाया और कहा कि आनंद शर्मा बताएं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए हिमाचल के लिए क्या किया। मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बुजुर्ग गंभीर बीमार और दिव्यांग घर से डाल रहे हैं वोट। निर्वाचन आयोग ने संसदीय क्षेत्र के 42,000 से ज्यादा वोटर्स के लिए यह सुविधा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा, क्षतिग्रस्त गोला पुल का सीएम ने लिया जायजा, कहा युद्ध स्तर पर होंगे पुल के निर्माण कार्य। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मांग सकता है टिकट, जो नियमों पर खरा उतरेगा उसे टिकट दिया जाए। रामनगर में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे हरीश रावत, गणेश गोदियाल और इस्पाल आर्य। आपदा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को बताया फेलियर। मंगलौर में 2 दिन से लापता छात्र का शव बरामद, गोली मारकर की गई थी छात्र की हत्या। घर से स्कूल जाते समय हुआ था छात्र लापता। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र की बिगड़ी तबीयत, पुलिस ने अस्पताल में किया शिफ्ट। डेंगू की पुष्टि के लिए लैब भेजे गए सैंपल। किन्नौर में ट्रैकिंग पर निकले 3 पर्यटकों की मौत। शिमला के रोहडू से किन्नौर के सांगला तक ट्रैकिंग के लिए निकला था 13 पर्यटकों का दल। आईटीबीपी और पुलिस टीम राहत बचाव कार्य में। करनाल में खुले आसमान के नीचे किसानों का पीला सोना भीगा, किसानों ने की मुआवजे की मांग। बड़ा सवाल, आखिर कब तक नुकसान झेलेगा किसान। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, लाहौल स्पीति और चंबा में भारी बर्फबारी। केलांग जाने वाली बस सेवा बंद, शिमला किन्नौर में भी ठंड बढ़ गई। गुरुग्राम में मासूम सहवानियत, 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, बच्ची की मौत, किराएदार पर दुष्कर्म का आरोप। नगीना से तिजारा रोड पर कार्य पूरा नहीं होने से परेशान हुए लोग। परेशान लोगों ने जिला प्रशासन के सामने रखी अपनी परेशानी, समस्या के तुरंत समाधान की लगाई गुहार। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 2020 वर्ल्ड कप के मुकाबले में शर्मनाक हार। वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत को हराया।
पाकिस्तान की जीत के हीरो बाबर आजम रहे, जिनकी अगुवाई में पाकिस्तान ने यह इतिहास रचा है। बाबर आजम ने ही शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत भी दिलाई और वहीं मैच खत्म होने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टीम को पाकिस्तान की टीम को बधाई दी।